इस किले के इतिहास के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा था, इस किले का निर्माण जो है वो 1538 से 1544 के बीच में शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, और उसी के द्वारा ये ढांचा पूरा तैयार किया करवाया गया है। पीछे जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद भी शेरशाह सूरी द्वारा ही बनाई गई है। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे दीन पनाह नगर हुआ करता था, जो हुमायूं ने बसाया था, उसको पूरा तबाह करके उस किले का निर्माण कराया था, और इसी में ये इमारत है, एक शेर मंडल मेरे पीछे शायद नज़र आ रही होगी आपको दोस्तों। इस शेर मंडल इमारत, इसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी हुआ करती थी कुतुब खाना, और इसमें हुमायूं की सीढ़ियों से उतर कर गिरने से मौत हो गई थी। उसकी पूरी डिटेल हमने एक अपने ब्लॉग, जिसमें एक बादशाह जो चार बार दफनाया गया, उसमें पूरी डिटेल में हमने बताया है कि किस तरह से इस इमारत या कहिए कि इस लाइब्रेरी या कुतुब खाना से की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उस ब्लॉग को आप पूरा देख सकते हैं, और बाकी अभी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें और खंडर ही बाकी हैं। एक हुमायूं द्वारा बनाया हुआ गेट और है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है हमाम, और इसी में जो शाही महिलाएं थी वो नहाया करती थी। इसमें गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था उस टाइम पे रहती थी। अभी आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या है अंदर। वैसे तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, फिर भी आपको इसमें दिखाते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से पानी इसमें घूम घूम के जाता रहा होगा, और किस तरीके से ठंडा और गर्म पानी मिक्स हो के यहाँ पे आता रहा होगा, और इसके कहीं नीचे ही आग जलाने का कुछ हुआ करता होगा। ये दो टब हैं, आप इनको कह सकते हैं बाथ टब। इन दोनों टब में ही महिलाएं नहाया करती होंगी, जो कि शाही महिलाएं थी या आप कहिए कि रानियां थी। बाहर से इसकी आकृति कुछ ऐसी है, बिल्कुल ये शेर मंडल पुस्तकालय जो मैंने बताया था कुतुब खाना, जहाँ से हुमायूं की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मौत हुई थी, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है ये स्नानागार या हमाम इसको कहिए। दोस्तों देखो ये है हुमायूं दरवाज़ा, ये हुमायूं द्वारा निर्मित बताया जाता है, और इसमें दो गेट हैं। मेन जो गेट आप देख रहे हैं ये ऊपर है, एक नीचे जो ये गेट देख रहे हैं आप, इसमें ये पानी में खुलता था नीचे जाके, जिससे आप निकलकर पीछे जो नहर हुआ करती थी, अक्सर आपने किलों में देखा होगा चारों तरफ एक किले की नहर हुआ करती थी, उसमें जाके खुलता था, जिसमें आप नाव में बैठ के निकल सकते थे। तो ये पूरा खंडहर में ही तब्दील हो चुका है, बाकी फिर भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और यहीं पर ही मैं बताना चाहूँगा, लाइट एंड साउंड शो परफॉर्म होता है, कई आपने कुछ नाटकों में या कुछ ऐसे जो लाइट एंड शो परफॉर्म होते हैं पुराने किला में, उनमें इसको देखा होगा, वो यहीं पर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत हरियाली है, चारों तरफ पेड़ और आपको पार्क दिखाई देंगे, और जो चीज़ें जिनका नाम यहाँ से मिट चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, उनमें दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। एक बराबर में इधर एक्सकवेशन साइट भी है, जिसमें म्यूज़ियम में जो मैंने आपको दिखाया था पत्थर की मालाएं और बर्तन जो वगैरह जो खुदाई में मिले थे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मिली हैं जिनसे पता लगता है कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ नामक किला हुआ करता था, या पांडव नगर जिसको हम बोलें, पांडव नगर यहीं पे स्थित था, और जिसका इतिहास में वर्णन इंद्रप्रस्थ के नाम से मिलता है, उसकी जगह भी यही है, और इसी को आज हम इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि की है। बाकी इसका निर्माण जैसे कि मैंने बताया कि 1538 से 1544 के बीच में शेरशाह सूरी ने करवाया था, और उसके बाद जो कि वो शेरशाह सूरी हुमायूं का ही एक सिपहसालार था, उसने चालाकी से मुग़ल सल्तनत को हत्या लिया था, और बाद में फिर वापस वो हुमायूं के पास में सल्तनत आ गई थी, उसके बाद हुमायूं का ही शासन चला था। एक बादशाह जो चार बार दफनाया गया उसको आप देख सकते हैं,
उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम पुराने किले की लेक पे और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे देखिए, और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे वोटिंग बंद है और वोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में फाउंटेन्स भी चलते हैं जो कि अभी चल नहीं रहे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वोट पड़ी हुई है, अभी वोटिंग नहीं हो रही है, नहीं तो काफ़ी वोट्स यहाँ पे होती हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ी लेक है और इधर ही आप किले की दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल किले के एडजॉइनिंग है। जैसे कि पहले किले की दीवार के साथ में नहर हुआ करती थी, उसी को ही इसे रीडेवलप कर दिया गया है, इसमें पानी ज़्यादा अच्छी मात्रा में कर दिया गया है। बीच में ये व्यू पॉइंट बना दिया गया है जिस पे आप यहाँ खड़े होकर इसका नज़ारा ले सकते हैं, और इसके चारों तरफ आप ये देख रहे होंगे, यहाँ से आप चल के इसके चारों तरफ भी घूम सकते हैं। दोनों साइड में बनाया गया है एक फुटपाथ टाइप में, इसमें चल के आप पूरा इस लेक को घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू पीछे हमारे आ रहा है, ये किले के एडजॉइनिंग जैसे मैंने बताया ये दीवार के साथ साथ में ये लेक है, अभी डेवलप की है और दोनों तरफ इसमें फुटपाथ बना दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।